नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल लिस्ट ऑफ डिसीजेज, और ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारी वेबसाइट और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से डेली इसमें अपडेट करता हूँ। इस वेबसाइट का विज़न हमारा ये है कि जितने भी यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया प्लस स्टेट पीसीएस, ठीक है, और प्लस एसएससी वाले जो एग्ज़ाम है प्लस रेलवे, सभी के लिए मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करना हो, प्लस यूपीएससी के लिए, तो सब कुछ यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि आप फ्री में बैठ के यहाँ पे पढ़ सकें। आपको करना क्या है, www.studyforcivilservices.com में जाना है। और देखिए, ये जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो तीन आपकी लाइन है ये मेन है। आप होम में जाइए पहले, ठीक है, होम में गए आप, और ये जो लेटेस्ट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट आपको देखनी है। और उसके लिए एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो तीन है इसमें आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे कर ये कि ये जो माई अकाउंट है इस पर अपना अकाउंट बना लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई पोस्ट करूँ तो आपके पास आ जाए। तो चलो लेटेस्ट पोस्ट में चलते हैं। और देखिए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस पीसीएस के लिए विपिन चंद्रा की समरी हिंदी इंग्लिश में, अभी यूपी पीसीएस के लिए डिफेंस के नोट्स डाल दिए हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। अभी देखिए, जैसे प्रमुख समिति और आयोग है, लिस्ट ऑफ ऑल डिसीजेज है, तो डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा हूँ लगातार मैं इसके लिए, आपके लिए मटेरियल बना रहा हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल पढ़ना फ्री है, ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लिस्ट देख लेते हैं आपकी, लिस्ट ऑफ टोटल डिसीजेज, ये पूरी लिस्ट है, ये जितनी भी डिसीजेज हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए ज़रूरी, ठीक है। तो देखिए, लिस्ट अगर हमने देखी इसमें, तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो पहले देखिए, ये इसमें कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ये जो डिसीज़ है वो किस टाइप की है। तो वायरल डिसीज़ मतलब किसी ना किसी वायरस से होगी, तो कौन कौन सी वायरल डिसीजेज हैं, से एड्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, कॉमन कोल्ड, जर्मन मिसेस, इन्फ्लुएंजा हो गया, जॉन्डिस, मीजल्स, मम्स, ठीक है, और डेंगू फीवर हो गया, लैसा फीवर हो गया। अब इसमें देखिए, ऐसा है कि ये जो टोटल हैं आपकी, टोटल ये सब वायरल डिसीजेज हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड जो जुकाम होता है ये सब, ठीक है, पोलियो, रेबीज, इबोला और एचआईवी वायरस है वो एड्स करता है ये, और प्लस और भी। अब देखिए, टोटल डिटेल भी लिखी हुई है कि जैसे आपका चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, इस वायरस के द्वारा होता है, वैरिसोला-ज़ोस्टर के द्वारा, स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला के द्वारा होता है, कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है, एड्स किसके द्वारा होता है, एचआईवी के द्वारा होता है, ठीक है, मीजल्स किसके मतलब किसकी किस वायरस की वजह से मीजल वायरस है, मम्स की वजह से, रेबीज़ के लिए रेबीज़ वायरस है, डेंगू के लिए डेंगू वायरस है, और वायरल इंसेफेलाइटिस के लिए है आपका ये इंसेफेलाइटिस, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होता है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये टोटल लिस्ट मैंने कंपाइल की है बहुत सारे सोर्सेज से, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो डिसीजेज वाला जितना भी है टोटल कवर हो जाएगा। और प्लस आप यहाँ पे वेबसाइट में बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बैक्टीरिया के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, कॉलरा हो गई, वूपिंग कफ हो गई, डिप्थीरिया हो गई, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग। टॉप 10 अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीजेज हैं वो ये सब हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट अभी मैंने बता दी आपको। और ये किससे होता है उसके लिए भी दिया हुआ है, वूपिंग कप जैसे होता है आपका बोर्डेटेला पर्टुसिस से होता है, डिप्थीरिया होता है आपका बैक्टीरियम डिप्थेरिये करके होता है, कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी, लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और न्यूमोनिया होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए करके, टिटनेस होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, टाइफॉइड होता है सेलमेलोलेला ये टिफी, टीबी होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और प्लेग होता है यर्सिनिया पेस्टिस से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और देखिए, ये स्टैटिक जीके के लिए मैं पूरा रिसोर्स यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा देखिए स्टैटिक जीके आपको मिलेगा हर एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी की पूरी समरी मिलेगी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, प्लस आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा, जैसे यूपी का करंट अफेयर अभी मार्च 2018 तक अपलोड कर दिया है, एमपी का कर दिया है मार्च 2018 तक, बिहार का कर दिया है, अभी राजस्थान का करना बाकी है। एनसीईआरटी की पूरी बुक की समरी मिलेगी, प्लस जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी विपिन चंद्रा हो गई, माजिद हुसैन हो गई, सबकी समरी है यहाँ पे, अब ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। फंगल डिसीजेज अगर आप देखें कौन कौन सी है, इसमें रिंग वॉर्म हो गई, ठीक है, फंजाई से जो भी डिसीज होती हैं, एथलीट फुट हो गई आपकी, माइकोसिस हो गई, माइकोटॉक्सिकोज हो गई, ठीक है, कैंडिडियाज हो गई, और ओटोमाइसिस हो गई, पिनिसिलोनोसिस हो गई। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें से प्रोटोजोआ की डिसीज़ है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि मलेरिया कौन सी टाइप की डिसीज़ है, ऑप्शन दे देंगे वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है, या फंगल डिसीज़ है, तो कौन सी डिसीज़ है ये,
ये जो आपकी मलेरिया ये प्रोटोजोआ डिसीज़ है, ठीक है। तो प्रोटोजोआन वाली कौन सी होगी, मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजर, और फिर उसके बाद आपकी ये देखिए ये पूरी डिटेल दी हुई है। मलेरिया जिसे किससे होती है, एनोफिलिस मॉस्किटो से, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये ना वायरस है ना बैक्टीरिया है। उसके बाद अमेबिक डिसेंट्री किससे होती है, एंटामीबोलिहिस्टोलिटिका, थोड़े बायोलॉजी वाले टर्म है, प्रोनंसिएशन शायद मेरी ठीक नहीं होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट है। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, काला अजर होती है आपका इससे, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉर्म डिसीजेज़ कौन कौन सी हो गई, फाइलेरिया हो गई, टेप वॉर्म हो गई, विड वॉर्म हो गई, और फिर फाइलेरिसिस एक पैरासिटिक डिसीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉनजेनिटल डिसीज़ कौन कौन सी है इसमें से, ये वो वाली मेडिकल कंडीशन है जो यानी कि बर्थ के टाइम पे होती है आपकी, जस्ट पहले की, तो वो कौन कौन सी डिसीज़ है, डाउन सिंड्रोम हो गई, एडवर्ड सिंड्रोम, हेयर लिप, क्लब फुट, मंगोलिज्म, स्पेस्टिक हो गया, फिर हेरिडिटरी मतलब कि जो आपके डीएनए की वजह से होती है, मतलब आपके फादर को ही होगी, उनके फादर को ही होगी, तो इसीलिए आपको भी होती है। हीमोफीलिया हो गई, एल्बिनिज्म हो गई, थैलेसीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, हंटिंगटन हो गई डिसीज़। डाइटरी डिसीजेज कौन कौन सी होगी, स्कर्वी जो मतलब आपकी डाइट होती है जो उसमें टोटल न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से होती है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी अनीमिया, ठीक है। हार्मोनल डिसीज कौन सी हैं, ग्वाइटर, डायबिटीज़, मेलिटिस और ड्वार्फिज्म हो गई। तो ये पूरी है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसमें अभी और भी मुझे अपडेट करना है कि जैसे डिसीजेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, प्लस जो डिफिशियंसी डिसीज़ के और पार्ट हैं, प्लस विटामिन वाले और पार्ट हैं, साइंस के सेक्शन धीरे धीरे इसमें चालू करते हैं। आज मैंने पहला पार्ट किया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ इसमें, ठीक है। वीडियो आप भले ही ना देख पाए लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये मैंने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट वाली में ज़रूर जाना है डेली अगर आप, और या फिर आप डायरेक्टली माई अकाउंट ही बना लीजिए, अकाउंट यहाँ पे बना लीजिए, और ये इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन है, जैसे भी आप करना चाहें। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है जीएसजी के जनरल नॉलेज, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप इसको देखिए आराम से, ठीक है। और जैसे स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम्स है, और उसके बाद है एनवायरनमेंट की जो समरी है पूरी, पॉलिटी की समरी हो गई, आपकी हिस्ट्री की समरी हो गई, टॉप 1600 क्वेश्चन हो गए, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी देखिए जो यूपी पीसीएस वाले लोग हैं उनके लिए डिफेंस का पहले पेपर का आ चुका है, डिफेंस का दूसरे पेपर का आने वाला है, और सोशल वर्क का भी हिंदी इंग्लिश में पेपर वन पेपर टू के मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और धीरे धीरे सभी ऑप्शनल के लिए हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। आप मतलब मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ लें। देखिए यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं है, और ना ही मैं दूंगा, क्योंकि कम से कम वेबसाइट पे आप पढ़िए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, वरना वेबसाइट चलाने का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यूपी सेंसस का यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये आप पढ़िए। इसमें जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी के लिए है ये, और सभी के लिए बाकायदा सेक्शन बने हुए हैं, और बल्कि आप यहाँ पे जाके खोज भी सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर, और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें अभी और मुझे लानी है, जैसे मैंने और देखिए, अगर आप लेटेस्ट पोस्ट देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे आपकी अवार्ड्स किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरी जीके करी हुई है, प्लस जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन करे हुए हैं, सब कुछ आपको लेटेस्ट पोस्ट में मिलेगा।